सबसे पहली बात तो यह है कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जमाना छठी सदी का जमाना है। आप तकरीबन 561 हिजरी के करीब दुनिया से तशरीफ ले गए और 470 के करीब आपकी विलादत बासादत, तकरीबन 90 साल की उम्र पाई। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने सिलसिले के एतबार से आप तो खुद कादरी सिलसिले के बानी हैं, लेकिन आपका अपना आपसे ऊपर का सिलसिला उस जमाने में जुनेदी सिलसिला समझा जाता था और कहा जाता था और पहचाना जाता था। तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सैयदना इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की औलाद में से हैं। इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के एक बेटे एक साहबजादे थे, उनका नाम भी हसन था, उनको हसन मुसन्ना कहते थे। तो गोया वो हसन बिन अली बिन अबी तालिब, ये उनका इसमें ग्रामी है। तो ये हसन बिन हसन हसन मुसन्ना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये करबला में जंग में शामिल थे और गाजियाने करबला में आपका शुमार होता है। आप वहां से बचकर जख्मी हालत में जिंदा वापस तशरीफ लाए थे। जिस तरह सीना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की औलाद पाक में से सीना इमाम ज़ैनुल आबिदीन बचकर आए थे, इसी तरह इमाम हसन की औलाद में से हज़रत हसन मुसन्ना बचकर आए थे। और जिस तरह इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के औलाद पाक में से बड़े बड़े आइम्मा पैदा हुए, इसी तरह इमाम हसन के औलाद में से भी बड़े बड़े आइम्मा तरीक़त और सलूक पैदा हुए। ये अलग बात है कि एक खास मनसूबे के तहत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की औलाद में से पैदा होने वाले आइम्मा का तज़किरा ज्यादा किया जाता है और इमाम हसन की औलाद में से पैदा होने वाले हस्तियों में से किसी को भी इमाम नहीं माना गया। तो ये शुमार करने वालों की अपनी कोई अटकल है, वरना हकीकत यही है कि जिस तरह हुसैनी सादात को आइम्मा अहले बैत कहलाने का हक हासिल है, तो बड़े शाहजादे की औलाद को इनसे बढ़कर हक हासिल होना चाहिए था और हक हासिल है। वो मकाम उनका अल्लाह के यहाँ है, कोई माने या ना माने।